आप आ गई नी, आप इतना लेट का है हो गई नी, हम आपके बोले रहनी ना जल्दी आवे खातिर। I'm sorry, रास्ता में वो ट्रैफिक जाम मिल गई रहे। It's okay, आपके याद तब आना की का करे के बा। Of course. चला चल जाओ, बहुत लेट हो गई। Let's go. ए छोटी, तू ठीक तो बैठे ना, का हो गई तो के? Fine. ठीक बानी हम, चल जाओ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई बानी हमें। सॉरी, ये हमारे सर का है चक्रा रहल बा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसन की आप सबके पता बा कि आज हमार मामा और मामी के वेडिंग एनिवर्सरी है, और हम आज अपन मामू और मामी खाते एगो स्पेशल परफॉर्मेंस प्रिपेयर कैले बानी। हम ट्विंकल तनेजा, सॉरी अब तो हमार शादी हो गई बा, तो हम ट्विंकल क्वीन सरना हो गई बानी। सो हम ट्विंकल क्वीन सरना आप सबके सामने परफॉर्म करब। सो आर यू गाइस रेडी? हमके चक्कर का है अरंपा, हमके खुद के संभाले के ही होगी, हम ही मौका गवा ना सके नी यूवी के सच आज सबके सामने लावे के होगी। म्यूजिक। अपन सच भी बोलता, मान ला तू सबके सामने कि तू पागलपन के नाटक कर रहल बाड़ा। बैटमैन, वेरी बैटमैन, हमारे ट्विंकल के साथ एक्सेंट डांस कहीं करता है तू? हटा यहां से, हटा जा। हम काहे पीछे हटी, तू बाड़े के हमरा रोके वाला? ओकर पति बड़े एक तई इतना हॉट दिया, ऊपर से ड्रेस भी इतना सेक्सी पहन ले दिया, और तोरा का प्रॉब्लम बा? जब ही लड़की को कोनो प्रॉब्लम नहीं खेता। प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम, हम के प्रॉब्लम बा? हाँ हम यूवी बानी, यूवी के प्रॉब्लम बा। आइटम दिखे ले तो के, आइटम दिखे ले तो के, अरे बीवी भी आहमा। कुछ, रुक जा के अभी बताओ पानी। आइटम दिखे ले तो के, कुछ छोड़ दा ओकरा के, कुछ ना। रुक जा। ट्विंकल पीछे हटा। कुछ कुछ प्लीज, कुछ ना। कैसे जाए दे ट्विंकल? हाथ कैसे लगा लस, बदतमीजी कैसे कहीं लस तो से?
हाथ लगे पता होते स्टॉप इट कौन ट्विंकल तो के हाथ लगावल तो के दूर के बाद अगर गंदा नजर से भी कोई तोके देखलस तो हमके जान से मार दे सच बताओ सजना सजना कुंज तो खामखा अपन खून काहे जला रहल बा अरे भी आदमी के का गलती बा सारी के सारी गलती ट्विंकल के बा का लीला देख रहल बाड़ू ना तू तू हमेशा कहत रहलू ना कि हम तहार बेटी के पीछे पड़ल रहनी ओके बदनाम करे खातिर आज का कह जाऊं तू हां आज तो हम खुद भी ना कहली आज तो जे कुछ कहले बा तहार बेटी ट्विंकल खुदे कहले बा देख रहल बानी आप बेबे अपन घर के बहू के जरूरत से ज्यादा छूट देवे के अंजाम का होवेला देखा देखा कैसे शराब पी के झूम रहल बाई सबके सामने जरा से भी शर्म तक ना पाएगी इहो भी ना सोच ले कि एकर पूरा ससुराल बा पूरा मायका सब लोग यहाँ पे बाड़े एके त इहो भी ना समझ में आ रहल कि सोसाइटी में सरना खानदान के इज्जत कहीं के भी ना रही ओहो ट्विंकल ई सब करे की का जरूरत रहे हमारी पार्टी में हमारी इंसल्ट करा दे तू और अपन मम्मी के दिख कैसे अशेम खड़ी बा बेचारी तो उसे यू मत ना रहे वेरी बैड भाई कि लेकी हमनी के कहीं के ना छोड़ लस हमार सोच एक रे बारे में बिल्कुल सही रहे कि हमार घर के बहू बने के लायक ही ना बा शरम आवेले हमें एक रा के अपन बहू कहे में शरम तो आवे के ही चाहिए आप खुद आपन हाथ से आपन बेटा की जिंदगी बर्बाद जे कर देलू एकरे जैसन बेशरम लड़की से शादी करवा के एक तरह के कपड़े पहन के जू अगर सबके सामने नाची खुले आम तो लड़का से फायदा उठाइए ना लड़का तो लाइन मारिए उनका का गलती बा एक मिनट ट्विंकल हमार बीवी पिया ओकर ड्रेस से ओकर डांस क्लास से जब हमके कोनो प्रॉब्लम नहीं था आपकी का प्रॉब्लम बा बस मौका चाहिए ना कैरेक्टर गिरावे के लड़की छोटा ड्रेस का पहन लेलस केहू के साथ डांस का कर लेलस बस कैरेक्टर गिर गिलो गई ए बात के इशू ना ही बनावल जाए तो बेहतर बा कुंज अब तू जबरदस्ती अपन बीवी के साइड लेवे के कोशिश मत करा अरे तू हमनी के ट्रेडिशन और हमनी के संस्कार के बारे में जानत ही का बा हां लेकिन आप तो सबको जाने लो ना बेबे का कौनो घर के बहू के ये सब तरफ शोभा देला कौन सा जमाना में जी रहल बानी कि घर के बहू के इलस तो के शोभा ना देला घर के दामाद कर तो के शोभा दे अभी भी वही जमाना में मानी कि लड़की आना कर सके नहीं या लड़का कुछ भी करे लड़की कैलस तो गलत लड़का कैलस तो सही और लड़की अपना हद में रहे और अगर हद डिसाइड के करे रहुआ या सोसाइटी ट्विंकल आज के लिए की दिया यंग दिया स्मार्ट दिया ओके शादी होगी मत काम करो ये चार दीवारी बंद करके दम घोट था हां एक उस साड़ी पहना कर लंबा सा घूंघट पहना कर पूरा जिंदगी निकाल दे ओकर आपन मर्जी बा ओकर आपन जिंदगी बा और हम ओमे दखल नहीं दिया जा और हम इतना भी जानत बानी कबो कोनो हद पार ना कर सबके खुश रखल हमके खुश रखल लेके आवे और कुछ बीवी भी हमार और हम इतर पति प्रॉपर्टी नहीं खे सिर्फ बड़ी बड़ी बात कहले से कुछ ना हो वेला कुंज और वैसे भी ये पहली बार तो ना बा जब ये लड़की शराब पी के ऐसे नाटक कहले होवे चिंकी के सगाई में भी ये ऐसे ही शराब पी ले रहे आता आपके तो जरूर याद हुए उषा जी ट्विंकल शराब ना पिए ले और हम ये बात दावे के साथ कह सके और ट्विंकल जान बुझ के केहू के दिल ना दुखा सके ले मनी मन रहुआ सभी बात जानत बानी आज ही सब कर सर शर्म से झुका देले बा और एकर सजा एके जरूर मिली काहे की कौनो छोट मोट गलती ना कहले बा बेबे
हम तक कहत बानी कि ट्विंकल के आज से एकर मायके में ही रहे देवे के चाहिए। बेबे ना, रुवा ट्विंकल के सजा ना सुना सके। जरूर कोनो मिसअंडरस्टैंडिंग भइल बा, प्लीज अंदर से आप भी बात जान पानी और हम। बस बहुत हो गई, बहुत सुन लेनी हम। ट्विंकल के सजा जरूर मिली। ट्विंकल अपन मायका में ना रही। वो हमरे साथ अपन घरे जाई, अपन ससुराल जाई और हम तय कर ले कि कलो के का सजा देवे के बाद। बाबा जी, आखिर ये सब का हो रहा बा? हम तो शराब पीनी ही ना, और आज हमार वजह से माँ के सर शर्म से झुक गई। यूवी के सच बाहर लाइल और भी जरूरी हो गई बा। ट्विंकी आजू। हाय यूवी। बैड ट्विंकी, तोरा से बोलले रहनी ना कि छोट ड्रेस मत पहन और चेंज कर ले। तू अभी भी चेंज नहीं किए कैलू, पता वो दोस्त कितना नाराज हुई। दोस्त ना, आज रात के बाद हमसे कबो गुस्सा ना हुई। इनफैक्ट वो तो हैप्पी हैप्पी हो जाई। का मतलब? मतलब छोड़, तू हमरा बतावा तेरा पास चॉकलेट बा? अब चॉकलेट्स? ट्विंकी ट्विंकी, हाँ यूवी के चॉकलेट्स आ, यूवी के वापस दे दा, यूवी ना दे दा। आज तो हार्ट ट्विंकी के चॉकलेट्स रियली रियली चाहिए, प्लीज दे दा ना। पर तोरा चॉकलेट्स चाहिए का है? काहे कि ये हमारे और कुंज के बीच के बात बा, हम तहरा के ना बता सके नी। तू छोट सा बेबी बाड़ा ना, तू ना समझ बा। ना ना, हम के जाने के बाद हम कहानी ना, हम तोहके ना बता सके नी। ये हस्बैंड और वाइफ के बीच के बात बा, लेकिन हम तोहके इतना बता सके नी कि आज रात के बाद कुंज हमसे हमेशा हैप्पी रही। और हाँ यूवी, तो गुड बॉय बाड़ा ना, तोहके आज अकेला आपन रूम में ही सोते के पड़ी, ठीक बा? और हाँ, कार्टून देखी है। गुड नाइट। क्या कर रहे हो? ट्विंकल, हम तोसे बात कर रहे हैं।
हमके पता रहे कुंज तो हमरा के गिरे ना देबा। थैंक यू। तो से एगो बात कही, आज के पार्टी में ना तू बड़ा ही हॉट लागत रहला। लागत पर तू पागल हो गई, होश में हो और सुज जा। आज के रात सोते खातिर थोड़े ना बा कुंज, आज के रात तब प्यार करे खातिर बा, एक दूसरे में खो जाए खातिर बा। ट्विंकल तोहार दिमाग खराब हो गई बा, जरूर तोहरा ड्रिंक में ना केहू कुछ मिला दिल होगी जोने सर हरकत कर रहा बाड़ू। सुत जा। कुंज आज तो हारना हमार चले मिस्टर हस्बैंड। ट्विंकल तू आज के रात बात करके गवाए के नहीं खे कुंज, बल्कि आज के रात का प्यार करे खातिर बा। आज के रात हमने के अपन टशन है शादी से टशन के भुला देवे के बा, सिर्फ इश्क पे फोकस करे के चाहिए। देखा ना तो के हमारा आंख में का नजर आवत बा। तू कब तक आग यूवी की कहा कहीं लग तू? निकल पीछे, यूवी पीछे। या खेल बबलस बेबे कि यू भी हमने के पिस्तल जला देलस। पागल हो गए भाई पागल। एक कौने तरह की हरकत कैला हतू? ए तरह से पिस्तल जलावे के का मतलब है? अगर कौनो हादसा हो जा तब बेबे जाए दी प्लीज। युवराज बच्चा बा। सही तो कह रहा बाड़ी बेबे, कुछ हो जाता हमके लागत बा, हमने चाहे जितना भी कोशिश करें हमने यूवी के घर पे ठीक से देखभाल ना कर सके नी, इसे प्रोफेशनल्स कर सकेले। मतलब? मतलब ये है बेबे कि हमने के ना यूवी के मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज देवे के चाहिए, वहाँ एकर ठीक से ख्याल भी रखल जाए और बेबे एकर ठीक से इलाज भी हो जाए। ओए छोटी बहू और दिमाग से ठीक पाना, तू अनीता के बेटा के पागल खाना भेजे के बाद सोच भी कैसे सकेले? बेबे मानत पानी की यूवी से गलती भइल होखी, बचपना बा नादानी में कुछ कैले होखी, बाकी ओकर इतना बड़ सजा मत दी आप ओके। अगर आपके सजा देवे के ही बात बराबर के देवे के होखी, काहे कि अगर यूवी गलती कैले बा तो अनीता जी हमके सब कुछ बता देले बाड़ी कि पार्टी में ट्विंकल कौन कौन हरकत कैले बिया। अगर यूवी घर से बाहर जाई तो ट्विंकल के भी ई घर में रहे के कौनो हक नहीं के। प्लीज आई एम सॉरी दोस्त, समझावा ना लोग के यूवी अगली बार से कुछ ना करी। यूवी सॉरी हमके घर से मत निकाल प्लीज। यूवी तू कहीं ना जी, तू यहाँ रहवा रोल बंद कर। चल यूवी। लेकिन बेबे यूवी कहीं ना जाए, हमने के साथ रही जे कह देलस सो कह देलस। क
का जरूरत रहल पागल खाना भेजे के बात करे के? कहे कि हमके पूरा यकीन बा यू भी ड्रामा कर रहल बा। तू अभी भी उन्हें अटकल बाड़ू? डोंट टेल मी कि सारा नाटक तू ऐसे केलू ताकि तोके लागल कि यू भी रिएक्ट करी और तू ओके पकड़ ले। कुंज हमार विश्वास करे सब ओकर नाटक हो कोनो पागल उगल नहीं खे। तू इकल बस अब एक और वर्ड ना। हम तोहार गुस्सा समझ सके नी कुंज, लेकिन अब हम अपन मंजिल के बहुत करीब बानी और हम कोनो भी कीमत पे हार ना मान सके नी। तू देखिए हम अब हम कुछ भी करके यूवी के असलियत सबके सामने ला के ही रहब। कुंज वैसे तो कसम खैले बाड़ा ना कभो भी हमार कोनो भी बात एक बार में ना माने के। हम तोहरा कह रहल बानी यूवी नाटक कर रहल बा, सब कुछ का ड्रामा बा। You don't deserve me. एक तो हम तो के यहाँ लेके इतना कमाल के जगह बा जहाँ कमाल के म्यूजिक बज रहल बा, कमाल के लोग पड़े, कमाल के माहौल बा और उसे भी कमाल हम बन। पर ना तोहार वो मीटर चालू बा, वह पुराना रिकॉर्ड अब बस कर कहे कि अब ना बोरिंग हो गई। चल ठीक है, कोनो सबूत बा तोहरा लगे कि यूवी एक्टिंग कर रहल बा? नहीं है ना? नहीं है कोनो सबूत, लेकिन हमार गट फीलिंग बा कि वो ड्रामा कर रहल बा। तो खुद ही सोचा ये भी तो हो सकेला कि जब वो गोवा में हमने के पीछे पीछे आये और ओकर प्लान फेल हो गए तो उन्हें तो नया ड्रामा कैलस हमने के पीछे आए खातिर हो गए। का कहलू तू? गट फीलिंग। देखो गट ना दूर के बाद पहले अपने अंदर फीलिंग तो लावा। सुना बहुत बार समझा चुकल बानी ऑन अ सीरियस नोट, तोरा लगे लिमिटेड दिमाग बा। हां ओके, खर्च मत कर, खर्च करबो तो फिर लोन मत, और तो के लोन भी क्यों ना दी, और अगर लोन क्यों ना दी तो तू हमार दिमाग खरीद जो हम नहीं खींचा। तू मिस अमृतसर बड़ो, मिस बोमकेश बक्सी नहीं खुजो, यहाँ डिटेक्टिव गिरी में लगल बड़ो। तो तू भी कोनो चलत फिरत सर्च इंजन नहीं खा जे तोके सब कुछ पता बा? तो जब तू इतना जानत पड़ो हमरा बारे में तो काहे बहस कर बड़ो, मान जाना हमार बात। तू ना कुन सर ना तहार ता हम का 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 बोला ना बोला ना बोला ना मिसेस ट्विंकल कुन सर ना। हमारा नाम ट्विंकल तनेजा है, मिसेस ट्विंकल कुन सरना नहीं खे, समझला? शादी के बाद पति के नाम ही पति के नाम होखेला, भूल गेलू। और हम के ना चाहिए कि पति के नाम जे एक नंबर के खड़ूस सरना बा। हम खड़ूस? हाँ। अगर हम खड़ूस पानी ना तो तू आजा पकड़ के बैठ जा और सुना। हाँ? अगर रास्ता में कहीं गिर गेलू ना तो आवाज दे दिया। ओके कुछ तो बिल्कुल भी फनी ना बाड़ा, समझला? स्टूपिड जोक्स। डोंट टेल मी तू अपन दिमाग में कोनो जोक क्रैक कैला और ऊपर खुद हंसे जा रहल बाड़ा। तू कर का रहल बाड़ू? सांस ले रहल बानी, उसे भी प्रॉब्लम बा। अब तू हाथ कहाँ रख ले बाड़ू? देखा थोड़ा ऊपर रखा, मैं गुदगुदी हो रहल बा। व्हाट रियली? देखा तू जानबूझ के कर रहल बाड़ू। आई स्वेयर हम जानबूझ के नहीं की करत, गलती से हाथ लग गेल रहे। हमके कोनो शौक नहीं के तोके गुदगुदी करे के। वैसे तू कबो पहले बताइला ना कि तोके गुदगुदी के मेडिकल कंडीशन है। गुदगुदी के कोनो मेडिकल कंडीशन ना हो, गुदगुदी बहुत नॉर्मल चीज बा, सबके होखेला। कैसे आर्ग्यू कर रहे बानी? शौक नहीं के हमके तोरा संग आर्ग्यू करेंगे। तू एक काम कर, जैसे आवत वक्त बैठे रहलू ना कंधा पे हाथ रख के वैसे ही बैठा। तू हमके हक पे डिजर्व भी ना करे। एक मिनट, कहीं तू दिल वाले के बात के सीरियसली तो ना ले लीलू? हां बड़ा रोमांस सूझ रहल बा मैडम। रोमांस ओ तो से सड़ू सरना से नेवर नेवर एवर इन माय लाइफ। गलती से हाथ का लगे तो पता ना कहां पहुंच गेला। और वैसे भी तोसे बहस काहे कर रहल बानी, हम टैक्सी से ही चल जात बानी। वैसे भी सारा रास्ता तहार गंदा अनफनी जोक सुन के पके से अच्छा बा हम अकेला ही चल जात बानी। और हाँ एक चीज और इला तो तू अजीब बीवी मिलल गया हमके, मतलब नखरा खत्म ही ना हो खेला। अरे ये पिछला जन्म में कोनो इच्छाधारी नागिन वागिन रहल का? रूप बदलत रहले कब नॉर्मल हो जाले? हाँ कभी झांसी के रानी बन के ना राशन पानी लेके हमरा ऊपर चढ़ जाले, और अभी देखा पीटी उषा बन गेल बिया, भागले जा रहल बिया, एक पीछा करत बा। तुहारी नखरा ना हमरा सामने नहीं खींचले वाला। हम जान पाई तुहार प्लान का बा, घर जीबू और देवे के सामने बोलबू की कुछ हमके अकेला छोड़ के चल गई। ना हमारे सन कोनो प्लान नहीं खे, तो टेंशन मत ना कुन सर ना। हम बेबे से तहार कम्प्लेन भी ना करब, बस हमरा के तहरा साथ ना जाए के बा, ना तो तोहके फिर गलत फहमी हो जाए कि कहीं हमके तो से प्यार वार तो ना हो गई। तू बुरा काहे मान जालू? तहार मजाक इतना बुरा हो खेले कि हमके बुरा लग जाला, समझला?
ओए, बड़ा रांझा बनत फिरत पड़े तू है, और इस लड़की के पीछा क्या करत पड़े, खेड़त पड़े तू लड़की क्या? वो दिन दहाड़े और हमारे इलाका में ना। चल तू पुलिस स्टेशन चल, हम बताओ पानी तोरा। अरे इंस्पेक्टर साहब, रोवा के गलत फहमी भइल बा। हम एक मिनट प्रूफ पा हमरा लगे। हमार बीवी, हमने दोनों मैरिड, हमने शादी के सर्टिफिकेट। अरे कमाल के बंदा बाड़े तू, सारा सबूत साथ में लेके घूमे ले। सर जब ऐसे 30 मार खा बीवी मिली रहुआ के, तब रहुआ भी ऐसे नहीं कर। भाई सबूत तो तोर सब पक्का बा, मतलब कि वाकई में तो नहीं दोनों पति पत्नी बाड़ा, लेकिन फिर इतना पीछा काहे करत पड़े? रहुआ शादी शुदा बानी, तो रहुआ हमार बात अच्छा समझे। दोनों झगड़ा होगा भइल बा? जी। अरे भाई झगड़ा भी भइल बा तो घर पर निपटावा, सड़क पर ना, ठीक बा? थैंक यू। तू सीरियसली हमने के शादी के फोटो और हमने के मैरिज सर्टिफिकेट हमेशा साथ लेके घूमेला? शादी के रात याद बा? दोहरा वजह से जिंदगी में पहला बार जेल गए थे, वो भी आपस शादी के पहला रात। कमाल बा, वो दिन रहल और आज के दिन बा हम सोच ले रहनी तोहरा साथे कबो रिस्क ना ले। भाई का भरोसा, कभी भी पब्लिकली तू बोल देबू कि हम तोहर पति नहीं, हमके पचाए से इनकार कर देबू और हम जेल में। हाँ तो बस इतना ही तबा? इतना ही बा। अब तू यहाँ खड़ा रहू और एगो और पुलिस के आवे के वेट करबू जे हमनी के लॉकअप में डाल देवे, या फिर चलबू? चल बैठा। तू सीरियसली अजीब बाड़ा। तो उससे कम देखा, आराम से चलाइए और बार बार ब्रेक मत लगाइए, समझ ला? तू हमके अपना ऐसा समझ ले बाड़ू। और वैसे भी कल रात के स्टंट के बाद ना हमार बस चले तो हम तो 10 किलोमीटर दूर रहे। हाँ तो हमके भी वो सब करे के कोनो शौक नहीं खे, वो तो हम यूवी के एक्सपोज करे खातिर कहले रहनी, समझ ला? तू तो प्लीज ये यूवी के टॉपिक बंद कर, चला बैठा। बेबी। हाँ जी। दरअसल हम आपसे कुछ और कही आए हैं। हम ट्विंकल के हरकत खातिर आपसे माफी मांगे आए बानी। कल रात पार्टी में जे कुछ भी भइल ओकरे बाद हम कुछ समझ में ना रहल बा कि हम कौनो मुँह से आपसे बात करें। आज कहीं से भी हिम्मत जुटा के हम आ गई, आपसे ट्विंकल की गलती खातिर माफी मांगे, ओके माफ कर दी। अरे लीला जी, माफी मांग के आप हमके शर्मिंदा कर रहल बानी। जे कुछ भी पार्टी में भइल ना ओके भूल जाएं। ट्विंकल तो मासूम है, अभी भी उम्र थोड़ा बचपना बा, लेकिन दिल के बहुत अच्छा बियाओ, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाए। और आप फिकर काहे करत बानी, हम बानी ना ओके सही रास्ता दिखावे खातर। ये तो तसल्ली बा बेबी कि आप ओकरे पास बानी। जब से आप ट्विंकल के ससुराल आई बानी ना, हम तो एकदम टेंशन फ्री हो गई बानी। हमके पूरा भरोसा बा आप हमार ट्विंकल के कौनो बात खातिर टोकी और सिखाई है ना, तो वो आपके बात मान भी जाए। ट्विंकल के मामला में आप बिल्कुल बेफिकर हो जाए, ओकरे साथ कबो गलत ना होवे देब हम। शुक्रिया जी। अच्छा जी, सत श्री अकाल। डरा गई ली टुकी के मम्मी, डरा गई ली। क्या हो रहा है बाप? हे भगवान। लीला जी आप ठीक बनी ना? आंटी यूवी सॉरी, एक्चुअली भइल का ना कि सुरजीत अंकल यूवी के ही खिलौना गिफ्ट के लिए बाड़े, तो यूवी सोचलस कि कहाँ ट्राई करे, तो ई खातिर यूवी आपके परेशान केलस। आई एम सॉरी यूवी सॉरी। आंटी इनके बोली ना हमके प्लीज घर से ना निकाले प्लीज। अच्छा सुना, इधर आ, इधर हमार बात सुना। तो के केहू भी कहीं भी जाए ना दे,
तू हमनी के साथ हमनी के घर में रह। ना ना, पहले आप प्रॉमिस करी के आप बीवी के घर से ना निकालो। प्रॉमिस है ना, ये वाला प्रॉमिस ना, वो गॉड गॉड प्रॉमिस, गॉड वाला प्रॉमिस, गॉड वाला प्रॉमिस, गॉड के प्रॉमिस। ये यू भी खुश हो गई ना, ये हम के दे दा ना, बुरा बुरा बात बना, दे दा दे दा दे 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 ना। अरे दे दा। यूवी के हरकत देख के कुछ समझ में ना रहल बा कि ये एक्टिंग कर रहल बा कि सच में एकर दिमागी हालत ऐसन हो गई बा। ये कहत बा कि यूवी कबो ना सुधर सकत, लेकिन ये एकर हरकत कहीं ऐसन तो ना कि हमार ट्विंकल यूवी के बारे में गलत बानी। का यूवी वाकई में अपन मानसिक संतुलन खो चुका था? कैसन बड़ा बेटा? हम ठीक बानी मारा हुआ, कहाँ से आ रहल बानी? ओ हम बेबे से कल रात के बारे में बात करे गए रहे। का भाई सब ठीक तो बा? तो आप परेशान लग रहल बानी। वैसे सब ठीक बाप, चिंता की कौनो बात ना बा। वैसे तू कैसन बड़ा बेटा? अब हम भी तो आपके सामने खड़ा बानी ना। एटलीस्ट एक बार हमरा तरफ देख तो ली, प्लीज माफ कर देना। कब तक हमरा से नाराज रह, प्लीज हमके माफ कर दी। कुछ बेटा ऐसे कह दा कि अपन बचपना छोड़ देवे, अब एकर शादी हो चुकल बा, केहू के घर के बहु बाई। एकरे बजाय कि अपन जिम्मेदारी संभाले, समझदारी से काम लेवे, इत सारा दुनिया के सामने हमकी शर्मिंदा करने पे तुली बा। कल रात के एकर हरकत हम कबो भुला न सकेनी। अरे जौने बेटी पे हमके नाज रहे, जे कबो हमार गुरूर रहत रहे, आज यही के वजह से हमके शर्मिंदगी उठावे के पड़ रहल बा। अगर ये बात के समझ सकेले ना, तो समझा दे एक रखे और एक एक कह दे कि हमरे सामने से चल जावे। माँ हम जानत बानी कल के पार्टी के वजह से आप बहुत नाराज बानी, पर मैं ट्विंकल की गलती नहीं की। तू अपना तरफ से एप्पल जूस ही पियत रहल, पता ना क्यों मैं अल्कोहल मिला दी। तू कुछ नहीं के लिए माँ, प्लीज उसे माफ कर दी, प्लीज माँ। माँ बचपन से लेके आज तक ई हाथ एके अकेला सहारा देली, एके संभाल लेस, एके गिरे से बचैलस, लेकिन आज हमके बहुत खुशी हो रहल बा कि ई हाथ के साथ देवे खातिर दुगो और मजबूत हाथ खड़ा हो गईले। अब और भी केहू बा जे एकरे साथ खड़ा बा एके संभाले के वास्ते, और हमके बेहद खुशी हो रहल बा बेटा कि ऊ शख्स तू बाड़ा। हम जानी ले कि तू हमेशा अपन बीवी के साथ खड़ा रहबा, एकर साथ देत रहबा, लेकिन जिंदगी में कबो कबो ऐसा भी मोड़ आवेले जब इंसान के खुद अपन पैर पे खड़ा होवे सीखे के पड़ेला, अपन लड़ाई अकेले लड़े के पड़ेला, और ई बात को इंसान जितना जल्दी सीख जावे ओकरा खातिर उतने ही अच्छा हो। अच्छा हम चलत बानी, तू अपन ख्याल रखिया। हाँ। तो माँ से ये कहे कहला कि केहू हमार एप्पल जूस में अल्कोहल मिक्स कर देले रहे, जबकि तोहके तक खुद हमारे विश्वास नहीं खे। निकल हम ही बात एगो माँ से कहले बानी, उनका दिल के ठेस ना पहुंचे ऐसे कहले बानी। बच्चा जौन मर्जी कर ले, एगो माँ के पैर में कबो कम ना होके पूरा जिंदगी निकाल देली, हमने खाते दुनिया से लड़ जाली। जब बच्चा की वजह से माँ के आंख में आंसू आवेला ना, तो हमसे बर्दाश्त ना होके। सजना
ना बेबी, कल रात के तो हम यूवी के पागल खाना भेजवावे वाला बात के रफादा पकड़ देनी, लेकिन जब हम अनीता के पूरा बात बतौनी तो यूवी के साथे घर के छोड़े के बात करे लगनी। और सही बात काहे ना करें। अरे आप भी बताएं कि एक माँ के दिल पर का बीती जब ओकरा ई पता चली कि ओकरे घर वालन ओकरे बेटा के पागल खाना भेजवा रहल बाड़े। बेचारी सवेरे से कमरा में बैठ के सिर्फ रोवत जा रहल बाड़ी। सुरजीत हमार ना बे, आपके पता बा और हमनी सबके मालूम बा कि ट्विंकल यूवी के साथे घर में अब तक कोनो सही बर्ताव नहीं कीले, हमेशा ओकरा पर शक करेले, ओकरा में गलती निकाले ले। अरे यूवी तो बच्चा बा, ओकरा सही गलत के पहचान नहीं थे। बाकी हमनी सब अपन आँख कब तक बंद रख सकत बानी बेबे। कल रात के ट्विंकल जौन हरकत कैले ओकरा बाद हम ट्विंकल के और कुंज के घर में एकदम ना रह दे। अगर उन लोग के यूवी से प्रॉब्लम बा तो बेशक ये घर छोड़ के जा सकत पड़े। अरे एक तो उन लोग के हम ही घर में रह देनी एहसान कहनी, हमार एहसान जतावे के बजाय हमार बेटा के बुराई करे ले। और वैसे भी बेबे वो भिकमंगा लोग के औकात नहीं है घर में रह के। ये तो का करल बा, ट्विंकल और कुंज घर छोड़ के चल जावे। ताऊ जी रुवा क्या कर रहे हैं? बेबे कह दा अपन ही लाडला से कि अपन सामान लेके और अपन बीवी के साथ ही घर छोड़ के चल जाए। सुरजीते पानी अब सिर से ऊपर जा चुकल बा। अब तो ये घर में या तो कुंज और ट्विंकल रही हैं या हमार परिवार। अगर आप ही दोनों के ही घर से जाए के ना कहब तो हम अनीता कैरी और यूवी के लेके ही घर से चल जाए। ताऊ जी प्लीज एक बार हमार बात सुनिए। हम कहा आज तक फैसला हो के ही रही बस। ताऊ जी प्लीज, प्रॉब्लम हर परिवार में है। बहुत साल के बाद ही परिवार इकट्ठा हुई बा, एक साथ रहत बानी है। प्लीज एक बिखरे मत दे। हम जानत बानी पापा रउआ संगे जौन भी गेले सालों पहले बहुत गलत थे, ओकरा खातिर आई एम सॉरी। सब बात भुला दी, प्लीज परिवार के बिखरे मत दे। राव नाराज भल जाए, ट्विंकल से गलती भइल बा और ओकरा खातिर भी हम रउआ से माफी मांगत बानी। तू ये बात तो मानत पड़े ना कि ट्विंकल गलती कैलस। तब बेबे अब तो बात साफ हो गई ना कि ट्विंकल गलती कैलस, तो अब एकराई घर छोड़ के जाए के ही होगी। ताऊ जी हमार बात समझे के कोशिश तो करी। ठीक बा, हम मानत बानी कि ट्विंकल के शायद यूवी के मेंटल असाइलम जाए के बात ना करे के चाहिए, पर वो का करे। जाने अनजाने में यूवी हमनी के रूम में आग लगा देले, केहू के कुछ भी हो सकत रहे। डर दे रहल ट्विंकल, ओके लागल कि केहू के जान पे ना बनावे, यही से वैसन कहलस। देख भाई कुछ तू लाख बहाना बनाओ, बीबी के जितना चाहे तरफदारी कर ले, माफी मांग ले, बाकी हमार फैसला अटल बा कि ये ट्विंकल के घर छोड़ के जाए कहीं होके बस। सुरजीते बच्चन की एक मौका दा, मान जा। बेबी हम जानत बानी कि आप हमसे बेहद प्यार करेनी, लेकिन हम इहो जानेनी कि आप ओसे भी ज्यादा प्यार ई पूरा परिवार से करेनी। आपके सपना है कि आप ई परिवार के साथ साथ हमेशा खुश देखल चाहता नी। हम आपके सपना टूटे ना दे बेबी, कहे कि हम भी ई परिवार से उतना ही प्यार करेनी। हम कबो ना चाह कि हमार वजह से ई परिवार में फूट पड़े, ऊ ना होके के चाही ना बेबे। अगर यही में सबके खुशी बा तो हम ई घर से जाए खातिर तैयार बानी। हमके ई घर से जाए के होखी बेबे।
तू कहीं ना जीव।